जिसने बाहुबल की जगह आत्मबल को महानता दी, आत्मबल को प्रमुख सिद्ध किया। ये भारत देश की महानता है। इस संस्कृति की वजह से, यहां के अच्छे सिद्धांतों की वजह से भगवान ने सारी दुनिया में से अपनी अवतार स्थली भारत को चुना है। भारत सारे विश्व का हृदय है, ये सारे विश्व का केंद्र है। भगवान इसी धरती पर ही अवतार लेते हैं। और भगवान जब यहां देखते हैं, मेरे महापुरुषों ने जो सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों की अगर कोई अवहेलना करता है तो भगवान फिर अपने संतों की रक्षा तो करता ही करता है, अवहेलना करने वालों को दंड देता है। और आज हिरण्यकश्यपु महापुरुषों के सिद्धांतों की अवहेलना कर रहा था तो भगवान ने आकाशवाणी की, जो कोई देव, वेद, गो, ब्राह्मण, साधु, धर्म, ईश्वर इनसे देश करेगा उसका विनाश निश्चित है, और ये मेरा अटल नियम है, उसका विनाश होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। भक्तों ने इस वाणी को सुना तो धैर्य धारण किया, प्रभु आएंगे, प्रभु की वाणी असत्य नहीं होती है। और इधर प्रभु की भक्ति में सराबोर भक्त प्रहलाद, भक्ति के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। हिरण्यकश्यपु ने देखा पुत्र बड़ा हो रहा है, इसे गुरुकुल में भेजा जाए। प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया गया। ये वो समय था जब शंड और अमरक, जो शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, वो अर्थनीति और राजनीति का पाठ गुरुकुल में असुर बालकों को पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुकुल में गए, गुरुजनों का पाठ सुनते और सुनकर उनको सुना भी देते, लेकिन उस पाठ को कभी हृदय में ना रखते। कारण, जिस पाठ का आधार अपने और पराये के बीच में एक रेखा खींचना हो, वो भक्त के हृदय में नहीं रहती, क्योंकि भक्त समता का व्यवहार करते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, शत्रुता नहीं रखते, वो सभी के प्रति मैत्री भाव लेकर चलते हैं। गुरुकुल से प्रहलाद जब वापिस आए, हिरण्यकश्यपु ने उसे प्यार किया, क्योंकि उसका सबसे प्रिय पुत्र था। बेटा, बहुत समय तुम गुरुकुल लगाकर आ गए, अच्छा गुरुकुल में तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया होगा, मुझे सबसे अच्छी बात बताओ जो अब तक तुमने सीखी है। उनका पिताश्री, संसार के सारे प्राणी मैं मेरे के झूठे आग्रह में पड़े रहते हैं, ये मेरा, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। मैं तो चाहता हूँ इस मैं मेरे का परित्याग कर सभी को हरि के भजन में डूब जाना चाहिए। हिरण्यकश्यपु दंग रह गए, ये हरि की बातें कर रहा है। अभी सोच ही रहे थे कि शंड और अमरक जब सामने दिखाई दिए तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गए और क्रोधावस्था में कहा, कैसी शिक्षा दी है मेरे बच्चे को? असुरराज, हमने कोई ऐसी वैसी शिक्षा नहीं दी, अपनी जीवा को लगाम दो शंड, मेरे बच्चे की बुद्धि बहकने जिम्मेवार तुम हो, क्योंकि बच्चा मेरा तुम्हारे पास था, इससे पहले मेरे धैर्य का बांध टूट जाए इसे आसुरी शिक्षा से संपन्न करके लाओ और आश्रम का संप्रोक्षण करो, कहीं विष्णु के पक्षपाती बालकों को वैष्णव शिक्षा से संपन्न ना कर रहे हो। शंड और अमरक प्रहलाद को फिर गुरुकुल में ले गए। प्रहलाद को जब गुरुकुल में शंड और अमरक लेकर गए तो जाते ही उन्होंने पूछा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हें हमारे अतिरिक्त यहां अन्य कोई पढ़ाने आता है? उन्हें कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे आपके अतिरिक्त और कोई पढ़ाने नहीं आता, तो हरि की बातें कहां से सीखता है? वो हरि, श्री हरि तो कहा नहीं है, श्री हरि की ओर मेरा चित्त अपने आप ही आकर्षित हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक लोह खंड चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ये बात सुनते ही शंड और अमरक क्रोधित हो गए, अरे कोई बैंक तो लेकर आओ, ये दुष्ट हमारी कीर्ति को कलंकित कर रहा है, अरे दैत्य वंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल न जाने कहां से पैदा हो गया, जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करता है, जो उसी के बेट बने जा रहा है। तुम्हारे अंदर से जो हरि का जाप उठता है ना, उसे तो हम खत्म करेंगे, हरि का जाप करना बंद कर दे, हरि का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद जय श्री हरि करते रहे और वो उन्हें प्रताड़ित करते रहे। तदुपरांत उन्होंने उसे अर्थनीति का पाठ फिर से पढ़ाया, उसके मुख से सुना भी, राजनीति का पाठ पढ़ाया और उसके मुख से सुना, और फिर गुरुकुल से राजमहल में लेकर गए। अब उन्हें एक शांति है, एक सांत्वना भीतर है, किसको अर्थनीति और राजनीति का पाठ याद है, ये अपने पिता को वही सुनाएगा। प्रहलाद ने अपने पिताश्री को देखा, द्रुत गति से उनके समीप गए, उन्हें प्रणाम किया और पिता ने उसे अपने अंक में समेट लिया। अच्छा पुत्र, आ गए गुरुकुल से, आज क्या सीख कर आए गुरुकुल से? पिताश्री, गुरुकुल से मैंने बहुत कुछ सीखा,
मुझे सबसे अच्छी बात तो बताओ। प्रहलाद ने कहा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनं इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न वलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ने धीतमुत्तमम्। श्री हरि का श्रवण, श्री हरि का कीर्तन, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका वंदन, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। अगर सच्चे मन से भक्ति के इन चरणों को पार किया जाए तो श्रीहरि अवश्य मिलते हैं। ये बात सुनते ही हिरण्यकश्यपु के क्रोध का कोई पारावार नहीं था। उसने कहा, मत ले हरि का नाम, ये हरि मेरे भाई का हत्यारा है। अरे मूर्ख, जिसने तेरे चाचा को मार दिया तो उसकी भक्ति करेगा? अरे पूजा करनी है तो मेरी कर, भक्ति करनी है तो मेरी कर, लेकिन मेरे सामने उस विष्णु का नाम मत लेना। और ऐसा कहकर उन्होंने प्रहलाद को प्रताड़ित किया और क्रोधावस्था में अपने सैनिकों को कहा, ये मूर्ख बार बार हरि का नाम लेता है, ले जाओ इस मूर्ख बालक को और फेंक दो ऊंची चोटी से, ताकि इसे भी सबक मिले। सैनिक प्रहलाद को बहुत ऊंची चोटी पर ले गए। प्रहलाद को ऊंची चोटी से फेंकने लगे थे कि उन्होंने प्रहलाद की मुख मुद्रा देखी। प्रहलाद को तो कोई चिंता नहीं, वो तो अपने हरि के चिंतन में डूबे हैं। मुख पर मधुर सी मुस्कान, मानो हर पल प्रभु का दर्शन कर आह्लादित हो रहे। प्रहलाद को चिंता क्यों होगी? जो चिंतन करते हैं वो तो चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो हरि का चिंतन करते हैं फिर उनकी चिंता करते हैं स्वयं श्री हरि। चिंता और चिता में सामंजस्य है। चिंता और चिता बड़े समीप के शब्द हैं, सिर्फ बिंदी का भेद है। चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है, लेकिन जो चिंता है जीवित इंसान को ही खत्म कर देती है, इंसान पागल होकर रह जाता है। भक्त कहता है, मैं चिंता क्यों करूं, मैं तो चिंतन करूंगा, और प्रहलाद तो चिंतन कर रहे हैं। और इधर जैसे सैनिक प्रहलाद को ऊंची चोटी से नीचे फेंकने लगे, और चिंता किसको हुई? हमारे श्रीहरि को। और श्रीहरि द्रुत गति से वहां पहुंचे, अपनी दोनों भुजाएं पहले ही फैला ली, और प्रहलाद को ऊंची चोटी से जैसे नीचे फेंका गया तो प्रहलाद कहां पहुंच गए? हमारे श्रीहरि की दोनों भुजाओं में श्रीहरि ने उसे थाम लिया और अपने गले से लगा लिया। जब अत्याचार की आंधियां पुरजोर हो भरोसा फौलाद सा ना कमजोर हो, तब द्वार वैकुंठ के खुद ही खुल जाते हैं, भक्तों की सुधि लेने स्वयं नारायण आते हैं। आग का बिछोना हो या सर्पों की फुंकार हो, क्या डराएगी ये दुनिया जब साथ प्रभु का प्यार हो। ऊंची चोटी से गिराने वाले तब देखते रह जाते हैं, जब बाहों का पालनहार झूला भक्तों को झुलाते हैं, जब बाहों का पालनहार झूला भक्तों को झुलाते हैं। सैनिकों ने यह संदेश असुर राज को दिया कि प्रहलाद ऊंची चोटी से फेंकने के बावजूद भी बच गए हैं। असुर राज ने कहा, बच गए? ऐसे कैसे वो बच गया? वो कोई मायावी तो नहीं है? एक छोटे से बालक को नहीं मार पाए? अब की बार ऐसा करो, उस हाथी को कारागृह से बाहर निकालो, उसे इतनी मदिरा पिलाओ, इतनी मदिरा पिलाओ कि मदिरा के नशे में वो इतना मदमस्त हो जाए कि सामने आने वाले प्रत्येक प्राणी को अपने पांव तले को चल दे। खूंखार हाथी को कारागृह से निकाला गया, उसे मदिरा पिलाई गई, और मदिरा के नशे में मदमस्त होकर वो आसपास के लोगों को मारने लगा, और ऐसी स्थिति में प्रहलाद को उसके सामने पटक दिया गया। हाथी ने प्रहलाद को देखा तो द्रुत गति से उसे मारने के लिए आगे दौड़ा, और जैसे प्रहलाद को देखकर वो आगे बढ़ा तो हाथी महाशय के कदम ठिठक गए। अरे क्यों ठिठक गए? क्योंकि हाथी आज चिंता में आ गए। अरे मैं क्यों मारूं इस बालक को? क्यों कर अनिष्ट करूं इस नन्हे से भक्त का? इसने मेरा बिगाड़ा ही क्या है? आज हाथी की सोच बदल गई। सोच किसने बदली होगी? किसने बदली होगी? ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने सोच बदली और हाथी तो सोचने लग गया, अरे इसने मेरा बिगाड़ा क्या है, मैं इसे क्यों मारूं? इसको तो मेरा दोस्त होना चाहिए, मुझे तो एक मित्र की जरूरत है, इसे मैं अपना मित्र बनाऊंगा, क्योंकि हम दोनों में बड़ी समानता है। अब आप सोचेंगे, हाथी और प्रहलाद में समानता कहां से आई? बहुत समानता है। हाथी जो है उसका पेट बड़ा होता है, भक्त का पेट भी बड़ा होता है। आप कहेंगे कैसे? हाथी का पेट बड़ा होता है, जिसका पेट बड़ा हो उसे गुजराती भाषा में सागर पेटा कहते हैं। जैसे सागर सारी नदियों को अपने भीतर उद्रस्त कर लेता है, इसी प्रकार हाथी को जो खाने को मिल जाए वो सारा कुछ उद्रस्त करता रहता है। लेकिन
भक्त का पेट भी बड़ा होता है, वो कैसे?